का वहाँ का शासन बढ़िया चलो, आगे बाबा जी बैठेगा इन्होंने तमाम देशों को नाश कर दो। खुर्जा विधानसभा में हिसोटी गांव पड़ता है, जिसमें कि हम बड़ी ही कठिनाइयों के साथ पहुंचे हैं। और जैसे ही हमने गांव में एंट्री लिया, यहां पे कुछ बुजुर्ग हैं मेरे पिता के समान हैं, और वो लोग यहां पर आग ताप रहे हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर है लगातार गिरता जा रहा है, ठंड काफ़ी है, लेकिन जिस तरह से चुनाव का माहौल बना हुआ है वो काफ़ी गर्म है। तो मैं यहाँ पर बाऊजी उनसे जानना चाहूँगी। बाऊजी नाम क्या आपका? मेरा नाम इंद्रपाल है। क्या करते हैं बाऊजी? मैं छोटा सा किसान हूँ। बाऊजी आप किसान हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में और अपनी विधानसभा में किसको वोट दे रहे हैं? देखो जी, हम तो अब मोदी जी ने तो कोई जो है यहाँ विकास ही नहीं कराया। हमारी देखो वहाँ मूर्ति है, वहाँ से देखो वह गली है, देखो बिल्कुल बेकार पड़ी है वो, और वहाँ निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है जो है। तो बताओ, जब ऐसा भी रास्ता नहीं सही कराया तो बताओ क्या विकास है हमारे यहाँ? तो बाऊजी किसको वोट दे रहे हो इस बार? तो हम तो बीएसपी को देंगे। फिर बीएसपी को क्यों दोगे? और कौन को देंगे? सरकार बदलेंगे हम तो जो है। अच्छा, इस बार आप सरकार बदलोगे देखना चाहते हो? और का तो अखिलेश क्यों नहीं? नहीं, अखिलेश को नहीं जी, हम तो बीएसपी को देंगे जो है। बीएसपी को देंगे। बाऊजी आपका नाम क्या है? मेरा शिव सिंह है। शिव सिंह बाऊजी इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? मायावती को। आप भी मायावती को देंगे? मायावती ने क्या करा आपके लिए? क्या करो है? हाँ जी, बोले पहले देखना चुके कितने अच्छे काम करे है, और अब नौकरी खतरा में ही, जब उनके वो शासन अच्छे अच्छे वो हटा दे। अच्छा, तो मायावती जी ने नौकरी दिलवाई थी उस समय? कहा मायावती ने नौकरी दिलवाई थी? बोले सुविधा तो दी जी है, पट्टे कराए है, सबरे काम कराए है, अब कहा है कचरा जो कटोरा है 4 किलो 5 किलो मिल जाए वही में खुश हैं। ऐसो है बालक पढ़े लिखे इन्हें का नौकरी मिल लीजिए है, और इन्हें कुछ पास है जाएंगे। एक बाऊजी और है हमारे साथ में। बाऊजी नाम क्या आपका? मेरा नाम सुखराम है। सुखराम क्या करते हो बाऊजी? वही करे मेहनत तो मजदूरी, और हम पका हर वहाँ के लोग हैं। बाऊजी इस बार किसको वोट दे रहे हैं? वोट कौन दे, हमें तो मायावती देंगे। फिर मायावती ही क्यों? बिल्कुल क्यों, मायावती नो दंगे का वहाँ को शासन बढ़िया चलो, आगे बाबा जी बैठेगा इन्होंने तमाम देशों को नाश कर दो। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कजू जुकाम सर्दी है जाएगा, खुलो में शुद्ध है वो, सर्दी में आदमी काम कर रहा तो जुकाम होगा, खांस भी होगी, तो वह सिद्ध कर देंगे बीमारी है यही, समझने की बात है ना जी बाऊजी। हाँ, तो आपने सुना कि बाऊजी यहाँ पर देखिए बुजुर्ग हैं और अनुभव भी है, और इन लोगों ने सपा की सरकार भी देखी, बहन जी की भी देखी और योगी की भी देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं निराश है इन दोनों सरकारों से। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके गांव का जो रोड है उसकी जो दिशा है बहुत ही दयनीय है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती हैं। और हम भी यहाँ पर दिल्ली से चलकर आए हैं, हमने भी देखा है कि जिस तरह से यहाँ के रोड है और जिस तरह से लोग समस्याओं को झेल रहे हैं, गलियों में पानी बहता है खुले तौर पर, और आए दिन हम देखते हैं कि जो हारी बीमारी होती है गंदगी के तारों वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वास्तव में लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं, ना वो इस बार योगी को चाहते हैं, ना अखिलेश को चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं तो चाहते हैं बहन जी को चाहते हैं। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल ND News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ।